तो आज हमारे पास टारगेट है, ये हमारा सेटअप बॉक्स लगवाया है राउटर जियो से, जियो फाइबर से, और ये हमारा पुराना मॉनिटर है और इस मॉनिटर को हमें टीवी में कन्वर्ट करना है किसी तरह। और देखेंगे तो सबसे बड़ा इशू इसमें क्या आएगा कि ये जो हमारे पास सेटअप बॉक्स दिया है इसमें कोई 3.5 जो जैक होता है उसके लिए स्पेस नहीं है कोई भी। अब इसका साउंड आउटपुट हम नहीं ले सकते, एचडीएमआई केबल है, तो एचडीएमआई के लिए ये अटैचमेंट आता है मार्केट में, आपको मिल जाएगा। इधर ये एचडीएमआई है और इधर इसका ये बीजीए पोर्ट है, तो इधर हम कनेक्ट करते हैं इसको। कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास इसको हम कनेक्ट कर लेंगे और टाइट कर देंगे इसको, ठीक है। ये हमारा इसमें कनेक्ट हो गया और दोनों एंड आप टाइट कर देंगे जिससे कि ये लूज़ ना रहे, तो ये हमारा कनेक्ट हो गया दोनों। अगर लूज़ रहेगा तो ये हीटअप होने लगेगा, ऐसा इश्यूज आ जाता है। अब इस वाले एचडीएमआई को यहाँ देख रहे हैं, इसमें एचडीएमआई पोर्ट है, इसमें जाके इसको इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। और इंसर्ट करने के बाद ये हमने इसको लैन वायर से ही अटैच कर रहे हैं, हम इसको वाईफाई पे से भी ले सकते हैं लेकिन लैन से स्पीड अच्छा आ जाएगा, तो लैन वायर को हम इसमें अटैच कर देंगे इधर, ओके। अब इसके बाद ये हमारे पास आया है इसका पावर और हम इसको पावर शुरू कर देंगे। ये हमारे पास पावर शुरू हो गया और पावर शुरू करते ही ये इसमें हमारे पास पावर आ गया। अब इसको हम यहाँ रख लेते हैं, अब आ जाता है हमारे पास काम आ जाता है स्क्रीन का। और एक काम और करते हैं, इसके लिए आउटपुट लेने के लिए ना ये ब्लूटूथ स्पीकर है, मैं इसको भी ऑन कर लेता हूँ। ये On. ऑन हो गया पावर, ठीक है, Bluetooth mode. ब्लूटूथ मोड पे ऑन कर लेना है। अब उसके बाद हमारे पास ये हमारा स्क्रीन चल पड़ा है, तो स्क्रीन चल पड़ा है, अब आ जाता है स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे क्या सेटिंग करनी है ज़रा देखते हैं इसमें। तो आपको 3.5 mm जैक अगर नहीं भी होगा तो भी हम इसको टीवी में कन्वर्ट कर पाएंगे, और अच्छा खासा यहाँ पे दे रखा है, एचडीएमआई रेजोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। और हम इसको क्लिक कर देंगे, ये आपका ये होम है, इसको होम पे क्लिक कर देंगे, हम होम पे आ जाते हैं, होम पे आ जाते हैं यहाँ, तो ये हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा, होम होम पे आ गया। अब हमें क्या करना है, ये एरो की से हमें स्क्रॉल करना है और इस सेटिंग में आना है, और सेटिंग पे जाके ओके क्लिक कर देना है, तो ये सेटिंग हमारी खुल के आ जाएंगी। और सेटिंग में हम आएंगे और यहाँ पे रिमोट एंड एक्सेसरीज में आएंगे और इसको क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के साथ यहाँ पे नीचे दे रखा है ये ऐड ब्लूटूथ एक्सेसरीज, इसको हमें ओपन कर देना है। ओपन करने के साथ वो जो ब्लूटूथ हमारा स्पीकर है वो यहाँ पे सर्च हो जाएगा, और इस पे जाके हमें क्या कर देना है, ओके कर देना है। वहाँ पेयरिंग वाला मैसेज आना शुरू हो जाएगा, और जब पेयरिंग हो जाएगा तो वहाँ हमारे पास आ जाएगा, यहाँ ये आएगा और इसको हमें क्या कर देना है, पेयर कर देना है, और पेयर करने के साथ कनेक्टेड कनेक्टेड मैसेज आ गया। और अब ये हमारा ओके कर देना है, हमने वापस जाना है होम पे, और होम पे जाने के बाद ये आप इस पे आपका ये जो मॉनिटर है पुराना मॉनिटर वो आपका टीवी में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको साउंड भी आएगा। जैसे मैं एक थोड़ा सा प्रोग्राम यहाँ देख रहा हूँ, ये G5 पे है ना, तो इसको मैं कर देता हूँ वॉच नाउ। ये ए साउंड भी सदा, आ रहा दस है, तू एक काम कर, ठीक है, घर जा और तेरे साउंड ढूंढने भी आ वाली रहा गोदी है, में जाके और छुप जा, साउंड को आप यहाँ तेरे से बारे में वो जो कहता है ना रेगुलेट पुलिस भी सच कर है, लेंगे मैं आराम दस दस से, काटूंगा, साउंड का लेवल, अरे को 100-150 ठीक दुश्मन तो है। काटने ही पड़ेंगे, तो ये ये हमारे पास दुनिया भले ही समझदारों ने बनाई हो सेटअप पैसे है बचाने वाले जिसमें बहादुर ही हो, हम एक सेटअप बॉक्स एड़ी को खोपड़ी ये तेरे एचडीएमआई टू जैसे, वीजीए तेरे जैसे, तुम कन्वर्टर सभी के और जैसे, एक ब्ब्लूटूथ के जरिए हम जिन्हें हमारा लगता है कि पूरा सिर्फ पुराने 300 इस घड़ी में मॉनिटर को 15,000 हम टीवी दुश्मनों में को कन्वर्ट मार कर डाला, सकते हैं बड़े आराम से। 300 बनाओ ये बदला इसी तरीके उसका, के वीडियोस के लिए मेरे जीना चैनल पड़ेगा। को सब्सक्राइब करें प्लीज़, थैंक यू।